जो लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे आएंगे भाई, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उखाड़ लेंगे, इतना ब्लॉग्स। भाई आज की राइड होने वाली है बहुत ही खास और दमदार। आज आने वाले हम एक और टूरिस्ट एरिया पे, मतलब जुम्हा जाने वाले हैं। आरवी राइडर साथ में है हमारे, आरवी राइडर के दोस्त हैं जिनका है बर्थडे, तो आज बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं साथ साथ में और दिखाते हैं आपको कि कैसा होता है जुम्हा। पहली बार जा रहे हैं इस तरफ, मतलब एक बढ़िया सी जगह है, सुनने में जैसे सुना है, वीडियोज़ में देखा हुआ है, सो आज देखते हैं कैसा रहता है और खड़ी चढ़ाई होगी। और बाकी दोस्त आ गए हैं क्या? हाँ वो बजा रहा है। चलो फिर चलते हैं भाई, थोड़ा आराम से चलना चाहिए यार, सच बोले। सुबह मम्मी जी ने हमारी कॉल किया था और खूब 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 सुनाया, गुरु जो भी मतलब समझाने लायक बातें होती हैं वो समझाई कि आराम से चला करो, दूसरी की बाइक मत लिया करो। हाइपर राइड, खींच के एकदम स्लो, बस ये ब्लॉग वायरल हो जाए ना तो बस लाइक जिंगा लाला हु। हर वीडियो को बनाते टाइम में बस यही सोचता हूँ कि ये वाली वीडियो वायरल होगी, बट सारी वीडियो तो वायरल होती नहीं है कोई, बस है इनके फ्रेंड। क्या हाल है? हेलमेट वो है मेरा, वो है हेलमेट मेरा। वहाँ पे मैं समझ गया, ऊपर वाली। हाँ जी, ओ माय गॉड, क्या लीन कर रहा है लड़का। तो भाई ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं जुम्हार। देखो भाई ऐसा कुछ पहाड़ी एरिया, इस तरफ मैं पहली बार जब आया था जब मैंने जेबीटी का एंट्रेंस दिया था, और फिर मैंने जेबीटी नहीं करी थी उसके बाद, क्योंकि मेरे नंबर कम आए थे, लगभग मेरे आए थे 58 करके नंबर आए थे, और मैरिट जो कि 65 से गई थी, तो मैंने फिर जेबीटी नहीं करी, तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली। एंड अच्छा हुआ कि नहीं करी थी जेबीटी, और आज जा रहा हूँ ऊपर, तो उस टाइम आया हुआ था मैं। बाकी भाई ठीक ठाक भगा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं भाई के। देख लीन आया, तो लड़का लीन करने पे आया है, बिल्कुल खतरनाक वाले लीन कर रहा है। देख क्या बात है भाई, हाँ आ गई क्लोज कॉल। दो बंदे को हम बिठा नहीं सकते क्योंकि यार माइलेज मर जाती है, और फिर चलाने में मज़ा नहीं आता, फिर पीछे वाला बंदा अगर मेरा नॉन होता तो ठीक है, बट अननोन को तो क्या ही बिठा के चलना, तो फिर तो ये टैक्सी ही बन गई। तो इसीलिए जो अपना नॉन होगा उसी को बिठाएंगे हम, अननोन बंदे को नहीं बिठाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे सीन होते हैं, देख सबको देखना पड़ता है। आरवी राइडर ना पिलियंस राइडर के साथ भी खूब भगा रहा है, खींच के रखी है भाई ने। ओ भाई साहब ज़्यादा ही लीन, कुछ टायर अभी गर्म नहीं हुए हैं मेरे और लीन करते करे जा रहा हूँ मैं, सो तब ऐसी दिक्कत आ रही है फिलहाल। जो लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे आएंगे भाई, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उखाड़ लेंगे वो उखाड़ लेंगे, उखाड़ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के अपनी फर्स्ट पेमेंट तक पहुंचा जाता है, बहुत एक लंबा पीरियड। बट ये है कि जो शुरुआत होती है, शुरुआत करना थोड़ा टफ होता है, बाकी एक बार बंदे ने अपना फैन बेस बना लिया तो भाई जी फिर तो मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बाकी बाद में तो फिर फुल मौज। जो स्ट्रगल करने से घबराते हैं वो फुल मौज भी नहीं कर पाते हैं कभी। बाकी खूबसूरत पहाड़ हैं आगे पीछे, नज़ारे का आनंद है इस लाइफ में, यूट्यूब की लाइफ है, बट थोड़ा आपको कुछ चीज़ें त्यागनी होंगी, जैसे बहुत सारी
आपको बैड हैबिट्स कोई नहीं रखनी है, ओनली सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे और अपनी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जी उसने बाइक ले ली तो हाँ जी उसके व्यूज आ रहे हैं, उसने बाइक ले ली मैं भी ले लूँ मेरे भी व्यूज आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है जैसे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना होता है, किसी का जैसे यूट्यूब पे मतलब ब्लॉगर बनना होगा, किसी को ऐसे सपने होते हैं पढ़ाई करके बिजनेस करके कुछ ना कुछ करके मतलब। सो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती हैं और अपने अपने रास्ते, बाकी हमारे रास्ते तो यही हैं ये जहाँ से हम चल रहे हैं उबड़ खाबड़ वाले। भाई जी पहली बार मैं आया था उस तरफ गया था मैं उस तरफ, वो रोड नहीं दिख रही मोड़े पे वहाँ से आगे है गाँव। उमा गुटुरुलो क्या बात है भाई, खूबसूरत खूबसूरत, आहा मूड फ्रेश सा होने लग पड़ा मेरा तो। आ गए भाई जुम्हार में, जुम्हार जुम्हार जुम्हार, क्या चीज़ ये चीज़ है देखने लायक। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जुम्हार में, देखो भाई यहाँ से नीचे देखो, यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल। अब हम यहाँ से नीचे बाइक उतारेंगे अपनी। ओ मा गुटुरुलो, ओहो हो क्या बात है भाई, गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यार, ये देखो अपना फिर से चंबा, वही चंबा बैक साइड जो अपना हरदासपुरा करिया भरमौर चौक बारगा ऐसे ऐसे एरिया से सामने है आपका मंगला, और ये वाला एरिया पता नहीं कौन सा है,